वेलकम बैक एवरीवन टू हिमलैंड्स। तो हिमलैंड्स के अंदर गड़बड़ों का सिलसिला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, बट आज के दिन गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होने वाली है। तो ये वर्ल्ड जिसका नाम है द लैंड ऑफ सर्वाइवल, जहाँ पे हमारा प्रिय मित्र जो एक टाइम पे हमारा बहुत खास दोस्त था किंग ओडिन, इसने हमें यहाँ पर डाल दिया था धोखे से। और पिछले 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं इस वर्ल्ड के अंदर भटकते भटकते गाइस, और हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश करी यहाँ से बाहर निकलने की। एंड जब भी हम लोग ऐसा कुछ करते थे तो हम लोगों को यहाँ पे सर्वाइवल सिचुएशन में डालकर हमें मारने की कोशिश की जाती थी, हमें स्लेव बनाने की कोशिश की जाती थी। बट फाइनली तुम्हारे भाई ने फिगर आउट कर दिया यहाँ से आज हम लोग कैसे बाहर निकलने वाले हैं, एंड दिस विल बी एपिक। तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है गाइस, क्योंकि आज सिर्फ हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं, हिमलैंड्स के बहुत सारे फॉरगॉटन हीरोज वॉरियर्स जो कि इस वर्ल्ड के अंदर कैप्चर्ड है, उन सभी के सभी को आज हम लोग यहाँ से बाहर निकालने वाले अपने साथ। तो इफ यू गाइस एक्साइटेड, लीव अ लाइक गाइस। लास्ट टाइम मैंने देखा था बहुत ही कम लाइक्स आए थे, इस बार 280,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो यार, 7 दिन के अंदर, 7 दिन का टाइम दे रखा है, आई नो तुम लोग जरूर कंप्लीट करोगे। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि 6 मिलियन के हम लोग ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा नजदीक, 80,000 सब्सक्राइबर्स के होते सिर्फ और सिर्फ। गाइस सब्सक्राइब करो यार, मेरा दिन बन जाएगा। बाकी गाइस एंजॉय दिस वीडियो मैन। ऑलराइट, तो गाइस अभी तक की कहानी तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि लास्ट टाइम पे हम लोग कैसे काउंसिल वाले सर से मिले थे हम लोग। एंड बाय द वे इन्होंने हमें लास्ट एपिसोड के एंडिंग में कुछ बातें बताई थी जो मैं तुम लोगों को रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। लास्ट टाइम पे हम लोग उस सर्वाइवल सिचुएशन में फंसे थे, आई मीन फंसे नहीं थे, हम लोग जानबूझ के गए थे, क्योंकि हम लोग एक मटेरियल की खोज में गए थे जिसका नाम था शक्ति रत्न। एंड उस सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके हम लोग वहां पर पहुंचने थे जहां पर शक्ति रत्न मिलना था, जो कि हम लोग इल्लीगली गए थे। तो बेसिकली हमको लगा था कि 20 मिनट के अंदर अंदर अगर हम लोग वहां से बाहर निकल गए तो काउंसिल वालों को पता नहीं चलेगा, जो हमारी जान के दुश्मन है। बट इन्होंने हमें बताया था कि 5 मिनट के अंदर अंदर निकलना होता, वरना उनको लग जाता पता। तो अभी सारे के सारे काउंसिल वाले हमारी जान के पीछे पड़े हुए, तो इन्होंने हमें लास्ट टाइम पे बताया था कि अगर तुम लोग यहां से अंडरग्राउंड हो जाओगे तू और एजियो, तो तुम दोनों के लिए बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए एडवांटेज है। वाई, अब मैं तुम लोग गाइस बताऊंगा, क्योंकि देखो गाइस हम लोग इस जगह से ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकते। लास्ट टाइम पे इन्होंने हमें एक और बात बताई थी कि गाइस शक्ति रत्न से हम लोग अपने नूबड़ा जी की पावर को 2000 times बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हमें लगा था कि अगर नूबड़ा जी को हम लोग ब्लास्ट यहाँ पर करवाएंगे तो ऊपर से हम लोग छेद करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये जो ऊपर की ये जो क्लाउड्स है ना गाइस, क्राइंग ऑक्सीडन के क्लाउड्स है इस जगह पे, ये कहीं पे बहुत ही ज्यादा डेंस है, और कहीं पे इनकी जो क्या बोलेंगे डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा लाइट है। तो अगर उस जगह पे हम लोग नूबड़ा जी से ब्लास्ट करवाएंगे तो वहां से ऊपर के लिए पैसेज खुल सकता है, एंड हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, राइट? बात तो सही बोली आपने, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग को समझ में कैसे आएगा कि कौन सा वाला डेंस इलाका है कौन सा वाला डेंस नहीं है। वही वही पर तो बिग ब्रेन गेम खेलेगा इसमें। देखो हमें बस ये पता लगाना है कि कहां पर इसकी डेंसिटी कम है, कहां पर इसकी डेंसिटी ज्यादा है। एसजीओ इसका पता हम पता कैसे लगाएंगे? हमारे जानी दुश्मन के थ्रू, किंग ओडिन के थ्रू। अरे कुछ उससे कैसे पता लग सकता है ये? आपको मेरे अभी भी आपको पता नहीं चला, मेरे दिमाग में बहुत तगड़े वाले खुराफात आई है। हमें यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, कौन से वाले भैया, एक डिस्ट्रैक्शन, एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन, एक बहुत बड़ा धमाका आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर सारे के सारे काउंसिल वालों की नजर पड़नी चाहिए। और बाय द वे लास्ट एपिसोड में जो आपने बोला था ना स्लेव को कि किंग ओडिन की वो जो सीक्रेट सिटी थी उसको भी हमने डिस्ट्रॉय करवा दिया है, इस सिटी को वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो किंग ओडिन को ऑलरेडी गुस्सा आ चुका है, एंड जब यहां पर बहुत तगड़े वाला धमाका होगा और जब सारे काउंसिल वालों को पता चल जाएगा कि बंदे भागने की ट्राई कर रहे हैं, तो किंग ओडिन को वो नीचे लेकर आएंगे। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ये है मेरा बिग प्लान। अगर ये प्लान अगर अच्छे से वर्क करा तो आई गेस हम लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे, हम लोग यहाँ से आजाद हो सकते हैं। पर अभी सुनो, ये जो धमाका है आपको करना पड़ेगा काउंसिल वाले भैया, तू मुझे सिखाएगा साले कि क्या करना चाहिए। अरे नहीं 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 काउंसिल वाले भैया, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, हमें आपकी मदद की जरूरत है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जब हम यहाँ से बाहर, मैं जो बोलूँ वो करेगा। अरे ऑफ कोर्स आपको मजा चाहिए ना, आप चाहते हो कि 11 के 11 काउंसिल वाले बंदों को आप मारो ताकि आपको बहुत सारा मजा आए, तो भाई वो हम करवाएंगे आपका, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है? बस आप इतना सा काम कर दो प्लीज, आप ही कर सकते हैं यहाँ पे धमाके, मैं तो नहीं कर सकता, यहाँ पे बहुत तगड़े वाला धमाका। एंड अभी नूबड़ा जी की पावर्स का हम लोग इस्तेमाल कर नहीं सकते, मे भी खत्म हो जाए, ठीक है? मेरे आगे ज्यादा बोल लगा नहीं, ठीक है डन है, आप प्लीज ये काम करोगे, बट अभी नहीं, अभी आपको थोड़ा थमना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी एजियो, अभी आप यहीं पे रुको, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम निपटा के आना है, इसी के साथ रुकेगा, ठीक है ना? यहाँ पे भी ज्यादा किसके साथ भाई, ये ज्यादा मेरा आधा काट देगा भाई। नहीं नहीं एजियो बस टेंशन, मतलब वो हमारी टीम में ही है, एंड आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे रुको, मैं फटाफट एक चीज मेक श्योर करके आने वाला हूँ अभी, बस आप बस 5 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आया फटाफट। अरे भाई ये भाई इसका चाकू मेरे पूरे शरीर से बड़ा है भाई। यार इस पार्टी क्या मुझे अकेला यहाँ पे छोड़ के कर यार, ये बाबा आजम के साथ देखो देखो ए भैया जी ऐसे मत आगे नहीं बढ़ने का भाई, मैं देखो मैं बहुत सज्जन घराने से हूँ भाई, पाव का राजा हूँ मैं,
यार ऐसे मत कहा भाई, ऐसे बता यार इस पार्टी कहाँ पे लटका के भाई, क्यों आ रहा है भाई मेरे को? भाई तेरी रखवाली करने के लिए नहीं भेजा मेरे को भाई। अरे बिना आंखों के अंकल भाई आ गए भाई, बाप भाई रे तो है भाई, मम्मी 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 भाई भाई, ये बाबा तुमको क्या प्रॉब्लम क्या है जीवन में? हाहा कर रहा है साला, हंसते भाई तेरे लिए मजाक है भाई, ये बुली कर रहा है मेरे को साला, मेरे को यहाँ पे स्मार्टी रखा है ये साला, मेरे को बुली कर रहा है ये बैक बेंचर साला, मैं वो भी नहीं भाई इतना स्मार्ट जितना तुझे लगता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरे को एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना पड़ा। देखो अगर किंग वार्डन को हम लोग लूर करके लाएंगे इस वर्ल्ड के अंदर, तो हमें उसकी लोकेशन भी तो पता होनी चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से ऊपर से नीचे आया, किस पॉइंट से नीचे आया, उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। तो उस लेमनेड वाले अपने लाइब्रेरियन के पास में जाने वाला, वो आसपास ही कहीं रहता है, मुझे अब एग्जैक्ट याद भी ना रहा वो कहाँ रहता है। रुको मेरे पास एक आइडिया गाइस, मैं ना नूबड़ा जीजी को बुलाता हूँ एक बार जरा, और उसका ना नाम एक तो चेंज हो रखा है यार, उसका नाम ना कुछ और है, मैं वो याद करने दो। तो बॉयज एंड गर्ल्स प्लान यहाँ पर एकदम सिंपल था, हम लोगों को किसी भी तरीके से इस वर्ल्ड के अंदर किंग ओडिन को लेकर आना है, एंड जिस स्पॉट से भी किंग ओडिन ऊपर से नीचे आएगा वो वाले स्पॉट पे डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होगी क्रैंक ऑब्सिडियंस के क्लाउड्स की, एंड वहीं पर धमाका करके हम लोग इजीली एस्केप कर सकते हैं। तो क्या ये चीज हम लोग कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तुम लोगों को पता चलने वाला है आगे। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इसको विस्पर कर दिया है नूबड़ा जी को कि नूबड़ा जी कहाँ हो भाई, प्लीज रिप्लाई कर दे जल्दी जल्दी यार एक बारी, मैं उसको ना अपने कोऑर्डिनेट पे ला दूंगा। आसपास से ऑलमोस्ट यहाँ से ना 200-300 ब्लॉक के आसपास है, बट उन लोगों ने ना कहीं और खुपचा बनाया हुआ है, मुझे इतना तो पता है, अगर मुझे रिप्लाई कर देगा तो मेरे को काफी अच्छा लगेगा। हाँ जी इस पार्टी भी है, लेट्स गो। नूबड़ा जी के बाद मेरे जा चुके गाइस, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ कहीं पे खुपचे ऐसे में, मेरे को बस कंफर्मेशन चाहिए कि एक सेकंड रुको, मैं ना इसको यहाँ पर कहीं पे कोई गुफा मिल जाए ना मेरे को भाई मजा। हाँ यहाँ पे गुफा बेस्ट है, यहाँ पर मैं इसको बुलाता हूँ, रुको एक बार गाइस। ओके तो गाइस मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, मैं कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ जल्दी आओ, लेमोनेड को लेकर आई थिंक समझ जाएगा कि लेमोनेड है कौन है, वही लाइब्रेरियन पीले वाला, जल्दी जल्दी आ जाए मेरे नूबड़ा जी। हाँ जी स्मार्टी भैया हम आ रहे हैं, लेट्स गो। ओके गाइस अभी यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगी भाई, हमें यहाँ से बाहर निकलना है किसी भी हालत पे। गाइस तुम लोग लाइक मारोगे हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, और बहुत सारे बंदों को लेकर निकलना हमने बार बार दबे आगे। अरे लेट्स गो भाई साहब, तुम दोनों सेफ तो ना भाई, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारे पे, हमला तो नहीं हुआ अभी तक है? नाइस वन लाइब्रेरियन, मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई, सुन अगर तुम्हें एक बात बता, तू क्या किंग ओडिन की लोकेशन फाइंड कर सकता है अभी वक्त मेरे सामने? किंग ओडिन की लोकेशन मुझे नहीं, आई नो कि किंग ओडिन इस वर्ल्ड में नहीं है, मुझे पता है। जब वो अगर मान ले मैं उसको लूर करके इस वर्ल्ड में लेकर आऊं, तो क्या तू उसकी लोकेशन फाइंड कर सकता है कैसे भी करके? मुझे ओम भाई, मुझे बस यही चाहिए था, तू बस मेरे को एक सिस्टम बना कर यहाँ पे जल्दी फटाफट जा अंदर, यहीं पे बना दे केव के अंदर, बहुत खुली जगह ये, एंड यहाँ पे सेफ रहना ठीक है ना ब्रो? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ एसजे को लेकर, ठीक है ना, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए होगी। नूबड़ा जी अंदर हो, सेफ रहो, आसपास नजर रखो, मैं भाग के जा रहा हूँ एसजे के पास। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, कंफर्मेशन आ चुकी है कि किंग ओडिन की लोकेशन निकाल देगा, हमें पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी जगह है इन क्लाउड्स में जहां पर डेंसिटी इतनी कम है कि बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है। By the way, I think guys, हम लोगों को ना 10-12,000 ब्लॉक्स ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर 10-12,000 ब्लॉक्स ऊपर हमारा हेमलैंड्स है भाई साहब, can you imagine this? अभी बहुत काम बचा हुआ है भाई, चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ मैं। हेलो 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 मेरे भाई, यार ये बंदा, अबे तू कहाँ पे हो भाई, जल्दी आ जाओ, ये बंदा सेकंड में आ गया। अरे अरे मजाक कर रहा है भाई, वो धमकी क्यों देगा आपको यार? अरे भाई मेरे ऊपर चढ़ा चढ़ी कर दिया भाई, मेरे ऊपर हल्ला कर दिया उसने। अरे वो मजाक कर रहा है वो, अरे काउंसिल वाले भैया है हमारे भाई, ये मस्ती मजाक करने वाले भैया, मेरे धोती लाल कर दिया भाई, क्या कर रहे हो आप? हो कहो वहीं पे, उसके मुंह के सामने एग्जैक्ट। ठीक ऐसे ऐसे मेरी बात सुनो, काम हो चुका है जिसके लिए मैं गया था, अभी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। काउंसलर वाला भैया मेरी बात सुनो प्लीज, अभी आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका करना जिससे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगी, जिससे सारे के सारे काउंसिल वाले बंदे हैं वो उनका ध्यान इस जगह पे आएगा, वो किंग ओडिन को 100% नीचे बुलाने वाले हैं। आई एम 100% प्लीज, पर अभी मत करना, 10 मिनट के बाद करना ठीक है, 10 मिनट के बाद, अभी एकदम से मत करना, ऐसे चलो मेरे से चलो। यार ये आप इसको भैया भैया बोल रहे हो भाई, इसके ना हरकते, ये भैया सैया बनना चाहता है, ऐसी हरकते इसकी भाई। अरे हो जाएगा जो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये हो जाएगा सैया, आपको भैया को सैया बनाना है क्या? अरे मुझे सैया नहीं बनाना भाई, हम लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले, जो बहुत खुशी का माहौल है अभी। अच्छा फिर थोड़ी सा टेंशन का माहौल भी है क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत टेंशन चल रही है अभी। आप बस मेरे साथ भाई घोड़े डरा दे मेरे को एक्चुअली में, आपस में मुझे वही लगा कि आप टेंशन में किसी और को ही सैया बना दो, भरोसा नहीं आपका भाई? देखो सैया तो हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स एकदम नॉर्मल है
अच्छा आप फलाना की तरह नहीं हो? हाँ, फलाना जी मतलब जब टेंशन में आता है तो भूल जाता है कि उस किस हार्मोन का। नहीं नहीं, आजकल तो फलाना जी के हार्मोन उसको मेंढक बना देते हैं। आजकल वो मेंढकी के साथ सही है खेल रहा है इस बात में। क्या छोड़ो, पता नहीं कहाँ पे होगा वो बंदा। ऐसे आपसे दिल में से भाग के चलो, ऐसे जल्दी जल्दी आओ, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं। मुझे बहुत कंफ्यूजन है स्पाइटी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है यार? सब बाउंसर है मेरे लिए। भाई जो प्लान चल रहा है वो अगर सक्सेसफुल हो गया, देखो इसके 90% चांसेस सक्सेसफुल होने के, बट 10% चांसेस है कि फेल भी हो सकता है। मैं यही सुन रहा हूँ यार, मेरे को प्लान तो बताओ, मैं भी थोड़ा सा उसमें इनपुट दे दूँ। नुबड़ा जी भी यहाँ पे है और हमारे भैया भी यहाँ पे है। अरे नुबड़िया साला, कितने दिनों के बाद दिख रहा है तू, साले चुम्मा दे मेरे को। ए भाई फाइनली यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, इसमें दिखेगा पक्का। लेट्स गो। ये कैसा टीवी है भाई? ये टीवी क्या है? ये टीवी नहीं है। देखो जैसे ही किंग ओइस्टेक सिस्टम पर आएगा, जैसे ही किंग ओडिन इस वर्ल्ड के अंदर एंटर करेगा, हमें यहाँ पे रेड डॉट के थ्रू ब्लिंक होके दिख जाएगा कि वो यहाँ पे आया कि नहीं आया। समझ रहे हो क्या ब्रो? वो यहाँ से वहाँ 2 सेकंड में आ जाता है यार, उसने ऑलरेडी खून कर लिया इस स्पूटी पाई का। हैं? हाँ स्पूटी पाई मर गया, वो वाला स्पूटी पाई का मर्डर हो गया भाई। ओ माय गॉड, मुझे बहुत बुरा लगा सुन के यार। ऐसे हमें यहाँ से बाहर निकालना ही पड़ेगा, बहुत जल्दी बाहर निकालना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे वीक है, वो नाचा फायदा उठा रहा है, हराम खोरो। अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो जल्दी जल्दी काउंसलर वहाँ पे हमला कर दे। जल्दी जल्दी ये टीवी कम एशियन पेंट का लेयर है भाई, कलर्स का। यार भाई ऐसे मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, स्मूटी पाई के बारे में मर गया वो बंदा यार। अरे उसको एक बार में मार दिया यार किंग ओडिन ने, वो पावरफुल बनते जा रहा है। मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं। ए व्हाट व्हाट द हेल, ये क्या था? कुछ धमाका कर दिया वहाँ पे भाई, कप कप ही हुआ भाई पूरी तरह से वर्ल्ड में। तुम लोग डरो मत, अभी काउंसिल वाले बंदे किंग ओडिन को शायद लेकर आ सकते हो। ओके मैं एकदम सामने खड़े रहने वाला, मुझे देखना है अगर किंग ओडिन आएगा भाई लाइब्रेरियन पक्का ना, किंग ओडिन आएगा तो दिखेगा ना यहाँ पे है भाई। छुप रहा है बता दे मेरे को, पक्का ना? हाँ तू छुप रहा है, बस तू ध्यान दियो, एज़ियो नजर रखे रखो, इस स्क्रीन पर नजर रखे रखो, किसी हालत में हमें छूटना नहीं चाहिए ये बंदा। और बाय द वे गाइस इस वक्त हम लोग देखो, तुम लोग स्क्रीन पर दिखाता, हम लोग यहाँ पर इस वक्त तुम लोग देख सकते हो, इस वक्त हम लोग यहाँ पे कहीं पर साइड में कहीं पर, ठीक है ना? तो एक पर्टिकुलर साइड हम लोगों ने पूरी की पूरी उठाई हुई है, ये पूरी की पूरी साइड हमने उठाई हुई है। तो इसने बोला हुआ है कि भाई कहीं भी वो आ सकता है, ये बेसिकली स्क्रीन खुद को ना इसे शिफ्ट भी कर सकती है। तो भाई कोई टेंशन, व्हाट है तो सामने देखो ब्लिंक हो रहा है लाल लाल भाई, ये यहाँ पे है वो बंदा, यहाँ पे है वो बंदा। इसकी टिक भाई, मान गए भाई तेरे को, इससे क्या लगा है ये ब्रो? आर यू श्योर जो लाल लाल वहाँ पे टिक टिक हो रही है वही है पक्का वहाँ पे होगा ना बंदा? आर यू श्योर ना ब्रो? देख लगा वहाँ पे नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बुरा लग जाएगा। इसके ऊपर टिक टिक कर देंगे भाई तलवार से। जल्दी आओ। ओ वेट अ सेकंड ब्रो, इतना जल्दी बाहर आ भाई। तो हमें एग्जैक्ट बता तो सही कि कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग इसके निकालेंगे, क्यों कहाँ पर है, कैलकुलेट करके तो बता। आओ जी लाइब्रेरियन जी, क्या कर रहे हो भूत? जल्दी आ। सारी कैलकुलेशन तो बता दे भाई एक बार हमको। ऑल राइट गाइस, तो भाई बंदे ने पूरी कैलकुलेशन करके हमें बता दिया कि एग्जैक्टली वो वाले कोऑर्डिनेट्स कहां पर है। चलो जल्दी आजियो ब्रो, जल्दी जल्दी। ए बाय द वे भाई, अभी हमारा एक आए नुबड़ा जी का है। अरे डर रहे हैं बंदे, जल्दी हो रहा नुबड़ा जी, आप ही के दम पे हमें बाहर निकलना है। बाय द वे क्या कर रहे हो आप? चलो एसजीओ के साथ जाओ। एंड भाई तू दुखी मत हो, हम लोग बहुत जल्द वापस आएंगे तुझसे स्पेशल मिलने के लिए। बहुत दुखी हो रहा गाइस क्योंकि हमारी फेयरवेल है अभी। ब्रो यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, ओके? ले मैं तो कुछ खाने के लिए कुछ दे सकता हूँ भाई। जिंदा रहियो, सेफ रहियो, ठीक है ना भाई? दोबारा जरूर वापस मिलने आएंगे। लेमिनेट ब्रो लव यू मैन, इसने हमारा बहुत तगड़ा काम किया। चलो लेमिनेट, अगर काम नहीं हुआ ना तो भाई तेरा नींबू का अचार बना देंगे। चलो ऐसे जल्दी जल्दी चलो। एंड बाय द वे गाइस, हमारी इससे बात हुई है, इसने बोला है कि जो हम लोग ने शक्ति रत्न लेकर आए थे इसने नुबड़ा जी की पावर 2000 टाइम्स बढ़ा दिया है। एक बार इस्तेमाल करोगे तो बहुत जोर का धमाका होगा। इसने नुबड़ा जी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, टेंशन मत लेना भाई साहब, फट जाना बस अभी आओ बस। ऐसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या आपको याद है लास्ट टाइम पे हम लोगों ने उन बंदों को बोला था, अपने नीचे सर्वाइवर्स को बोला था, वो जो हमारे स्लेव्स थे, कि मैं एक बहुत बड़ा धमाका करूंगा अगले 10-12 घंटे के अंदर जो केयू के अंदर टक टक टुक टुक कर रहे थे वही बंदे? तो भाई मैंने उनको बोला मैं बहुत बड़ा धमाका करूंगा, ये जो अभी काउंसलर ने धमाका किया उनको लगेगा कि वो मैंने किया है, वहां पे काउंसिल वाले बंदे आ जाएंगे और पकड़ लेंगे स्लेव्स को। फिर ऐसे आप एक काम करो, सारे के सारे स्लेव्स को आप लेकर आओगे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट पे, ठीक है? मैं वहां पे जाके वो मेरा मानेंगे। अरे आपको देखा है ना उस एक बंदे ने, चलेगा आप? चलेगा नुड़े, तू मेरे साथ चल, तू जल्दी जल्दी मेरे साथ चल,
मैं और तू जाएंगे फाइनल डेस्टिनेशन पे, एज़ो लाएगा उन सारे के सारे सर्वाइवर्स को, सारे स्लेव्स को, उनको ऐसे जल्दी लाओ नुमरा जी, कम ऑन डूड, वी हैव टू गो मैन, हमें मजदूर सेना, मजदूर सेना हाजिर हो। ऑलराइट गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वहां पे, मुझे भी थोड़ी सी टेंशन हो रही है यार अभी यहां पे, ठीक है ना। अगर अभी और इसी वक्त यहां पे काउंसिल वालों को चल गया पता, और अगर अभी उन्होंने हम लोगों को कोई फालतू की सर्वाइवल सिचुएशन में डाल दिया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। बाय द वे अभी फिलहाल को हमारे लिए खतरा नहीं है गाइस, यहां पे, यहां पर जो खतरा है वो है एसजीओ वगैरह को, क्योंकि वहां पर बड़ा धमाका ऑलरेडी कर दिया है उस काउंसिल वाले एक बंदे ने, और एसजीओ वहां पे गया है बाकी स्लेव्स को लेकर आने के लिए, तो भाई अभी बस उनको सेफली यहां तक पहुंचना है। एंड ओ यस, यहां पे देखो भाई तुम लोग गाइस एक बारी, यहां पर वो प्लेटफॉर्म जैसा अभी बना हुआ, एग्जैक्टली इसी जगह की बात हो रही है जहां पर मैं हूं अभी खड़ा, यहां से ऊपर मुझे लग भी रहा है कि कमजोर हो सकती जगह। नुमरा जी आप इस प्लेटफॉर्म पे जाइए, कुछ पर्ल्स वगैरह पड़ी है तो मैं आसपास नजर मारता हूं। ब्रो यहां पर क्राइंग ऑब्सीडियंस वगैरह भी पड़े हुए हैं, ब्रो आई थिंक हम लोग सही जगह पर है। नुमरा जी ऊपर जाओ, आप जल्दी जाओ ऊपर आप, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा दूर जाऊंगा बिकॉज आई डोंट वांट कि आपके इस धमाके की रेंज में मैं आ जाओ गलती से भी, भाई ये तो मैं कांड नहीं होने दूंगा अपने साथ। नुमरा जी कहाँ हो आप, ऊपर पहुंच गए हो? यू कैन डू दिस ब्रो, ओके यू कैन डू दिस, सेंटर में जाओ और थोड़ी सी पावर लगाने की ट्राई करो, इजी आपके लिए, बहुत इजी आपके लिए। ऑल राइट नुमरा जी यू कैन डू दिस, आपको कुछ नहीं करना, बस एक एक करके खुद को एक्टिवेट करना है, करो करो भाई आप कर सकते हो, ठीक है ना ब्रो, यू कैन डू दिस, यू कैन, नाइस वन, नाइस वन डूड। बट अभी मुझे लगा तो नहीं कि आपके 2000 टाइम बढ़ी है ब्रो, ये तो बहुत बेसिक सी वो कर रहे हो आप, कमान अभी एक एक निकल रहे हैं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। अरे नाना क्या कर रहा है भाई, कुछ नहीं होता है, मैं हूं ना भाई, आप कर सकते हो, 2000 गुना आपके अंदर पावर आई है, आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा, ओनली नुबड़ा जी कैन डू दिस बॉयस, ओनली यू कैन डू दिस, ओके। अरे मना कर अभी भी, तू कर सकता है, तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, समझा, चल कर, कमान कमान नुबड़ा जी, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, Yes, you can do this, you can do this, boys, you can do this. बहुत अच्छा कर रहा है भाई तू, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, Let's go. Yes. Oh my God. This is so good. Bro, 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 bro. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, मेरे भाई, बहुत बढ़िया नुबड़ा जी, तूने तो भाई क्या तगड़ी कांड कर दिया है, I think. अभी हम लोग ऐसे बाहर जा सकते हैं, आई थिंक अभी हम लोग ऐसे बाहर जा सकते हैं। नुबड़ा जी अपनी पावर का बंद करो, आप जल्दी जल्दी पावर का बंद करो। ओ भाई लाइटनिंग तो बंद हो गई पर आवाज आ रही है, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं तभी ब्रो। ओ माय गॉड नुबड़ा जी यहां देखो नीचे, ब्रो यू डिड इट, यू डिड इट भाई, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख मेरे भाई, तूने कर दिखाया, ऊपर से छेद कर दिखाया बॉयज, ब्रो तू बहुत नेक्स्ट लेवल है, तुझे नीचे आने की जरूरत ही नहीं थी भाई तुम्हें। एंड यहाँ पर अभी इतने ज्यादा हमने धमाके किए, ऊपर की पूरी हमने स्नो क्लाउड इनका तोड़ दिया है कि यहाँ पर काउंसिल वाले कभी भी आ सकते हैं। जल्दी आ भाई गाइस, अभी हम लोग को बस एसजीओ का वेट करना है और सारे सारे सर्वाइवर्स का वेट करना है, प्लीज 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 भगवान जी जल्दी जल्दी एसजीओ आ जाए बस। ओ माय गॉड नुबड़ा जी आप एक काम करो, आस पास की लकड़ियां निकाल के लाओ, हमें बहुत सारी लैडर्स बनानी पड़ेगी, ओके बहुत सारी लकड़ियां लेकर आओ और मैं आस पास नजर मारता हूँ, बस आप एसजीओ आ जाएगा सर्वाइवर्स के साथ, हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ब्रो ऊपर देख रहे तुम लोग, यहाँ पे नेदर वाले ब्लॉक्स है भाई ऊपर, आई डोंट नो कि ऊपर क्या मिलने वाला हम लोगों को, बट समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग गाइस। अरे नुबड़ा जी भाई काम तो आपने बहुत तगड़ा किया है, हमारे बाहर जाने का रास्ता भी बन चुका है, पर मेरे को समझ नहीं आ रही साला एसजीओ कहाँ रह गया भाई, आधा घंटा बीत चुका है भाई, अगर गलती से भी एसजीओ को अभी यहाँ पर किसी काउंसिल वाले बंदे ने पकड़ाना भाई, उसको ऐसी जेल में डालेंगे ना, फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा इसको छुड़ाना, फिर मेरे को यकीन तो एसजीओ के ऊपर ही आ जाएगा सही सलामत। नुबड़ा जी एक काम करते हैं ना, ऊपर का ये सिस्टम खोद के देखते हैं, क्या पता खुद ही ना हमसे बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना, तो एटलीस्ट हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं ये करने के, चल एक बार मैं ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है ब्रो, चल नुबड़ा जी फटाफट खोदना स्टार्ट करते हैं, तू तू ट्राई करेगा तब तो, भाई तू तो ऐसी भी एंटिटी से भी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसको ना खोद पाया, एंटिटी से पावरफुल तो मैं हूँ भाई साहब, सबको पटाके लेके आ गया हूँ, एसजीओ ला दिया, ओ माय गॉड लेट्स गो लेट्स गो, कितने बंदे हैं, कितने बंदे हैं, बहुत सारे, मतलब मेरे गिने तो नहीं पर है 10-15-16-17 है, बहुत सारे है, बहुत सारे यार, पूरा घर तोड़ देंगे भाई, मैंने इनको बोला था लास्ट टाइम पे 1000-2000 बंदे जितने भी सबको लेकर आना, स्माइटी ये पागल लोग है, आते आते भी इन लोगों के पास खाना नहीं है, कुछ लोग तो रास्ते में मरे हैं भाई मेरे सामने, ओ माय गॉड ये तो मुझे बहुत ही कम दिख भाई, अरे इतना स्लो मत हो गाइस, जल्दी भाग के आ जाओ, जल्दी भगा के लाओ इन सबको, ए जल्दी, अरे भाई तू लीडर है ना भाई, मार जल्दी आओ ना, जल्दी आओ गाइस, सारे जो मारो मत इनको, बहुत कमजोर है स्लेव्स सारे के सारे यार, आई नो
जल्दी आ जाओ यार, क्या कर रहे हो? आराम से आना, पर जल्दी आना। अरे भाई जल्दी आराम से, आप इनको खजल कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? जल्दी आओ गाइस, मेरी बात सुनो। अभी यहाँ पर हमारे पर कभी भी हमले हो सकते हैं, काउंसिल वाले कभी भी आ सकते हैं। वी हैव टू लीव भाई। वो काउंसिल वालों ने जो धमाके किए भाई, मतलब एक्सपेक्टेशन से डबल ट्रिपल धमाके, एक धमाका मतलब क्रेजी रेस हो गया था वहाँ पे भाई। आंखें चक्का चौन भाई, दो लोग अंधे हो गए थे, वो मर गए पीछे। भाई तुम लोग सारे के सारे सही तो हो ना? तुम्हारे को डराया तो नहीं किसी ने रास्ते में? सही है ना सब कुछ, सब सिस्टम? चलो बढ़िया है, सारे के सारे बंदे आ चुके हैं गाइस। अभी एसजे काम करो, अभी आप यहाँ पे चाहो तो छोटा मोटा कोई ऐसा कब्रिस्टोन का सिस्टम बना सकते हो, ताकि कोई दूर से ना देखे। मेरे को एक बार ऊपर जाके चेक करने दो कि ये सिस्टम ऊपर तो देखो एक बार एसजे, बाय द वे ऊपर देखो तो सही, देखा नहीं आपने क्या? एक बार नहीं, मैंने ऊपर ही दिखाई नहीं। देखो ओ भाई साहब, छेद कर दिया नुबड़ा जी ने। नुबड़ा अपनी शक्ल तो दिखाई इनको भाई। नुबड़ा साला, नुबड़ा ओ भाई, चुम्मा तुझे चुम्मे मिलने वाले हैं भाई, तू सिर्फ निकाल हम लोगों को यहां से। लिटरली बोल रहा हूं, नुबड़ा जी ओपी है। एंड बाय द वे सारे के सारे स्लेव भाइयों, तुम सबको छुड़ाऊंगा मैं, ठीक है ना? एंड जब तुम लोग वापस अपने अपने घर में जाओगे ना भाई, बाय द वे गाइस इनकी रियल शक्ल ये नहीं है, इनको बेसिकली वहां पे स्लेव बना के सबकी स्किन्स चेंज कर दी गई है। इनको भाई कन्वर्ट कर दिया है भाई, पूरा का पूरा। और इनका इवेंचुअली कन्वर्जन होने वाला था वो अपना इसके अंदर पिलेजर्स के वो होते हैं ना व्हाइट वाले भाई, से बंदे। सो बेसिकली किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है कि इनको हम लोग टाइम पे बचा रहे। मुझे लगा था कि यहाँ पे 1000-2000 बंदे आएंगे, बट I don't know, बाकी बंदे कहाँ हैं भाई, ये बताओ मेरे को। अरे बहुत बंदे थे, ऑलमोस्ट 500-600 लोग थे यार भाई। जैसे ही हम लोग आ रहे थे ना, साला वो काउंसिल वालों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, फिर वहां पे फाइट करके भाग भाग के बाद इतने ही बच पाए भाई, भाई बाकी पता भी नहीं कहाँ भागे। आज तो आप मुझे बोल रहे हो कि भाई 500 बंदे आप लोग ऑलमोस्ट बचा के लेकर आने वाले थे। ब्रो यार कितना बेस्ट हुआ था हम लोग 500 वॉरियर्स को बचा के जा रहे होते। खैर बट अभी एटलीस्ट हम लोग 20 कितने लोग हैं जो 20-25 तो होंगे लोग। आराम से यार 25 मतलब 28 है। ये ऊपर का खोद पा रहा हूँ मैं एक्चुअल में। नुबड़ा जी मैंने आपको बोला था ना वो बहुत सारे लैडर्स वगैरह बनाने के लिए, बना दिए होंगे आपने तो भाई, फटाफट लगाना स्टार्ट करो। वी हैव टू लीव नाउ। ओह शिट डूड, मैंने भी एक चीज का ध्यान दिया। एसजे आपको पता हम लोगों को तो भाई कम से कम 10,000 ब्लॉक्स ऊपर जाना है। तो 10,000 ब्लॉक्स खोद के जाना है हम लोगों को। अरे मेरे पास तो 6 ब्लॉक है और इतने ब्लॉक खोदते खोदते भाई जिंदगी यहाँ पे चली जाएंगी। अरे गाइस यहाँ पे बात जिंदगी की है ही नहीं एसजे, इतनी पिकैक्स ही नहीं होगी हमारे पास, इतने टूल्स कहाँ है हमारे पास, मुझे बताओ एक बार ही आप। अरे भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। इनके हाथ पे क्या है? इनके हाथ में नेदरराइट की पिकैक्स है। अरे भाई मैं भूल गया था कि ये सारे के सारे स्लेव्स हैं, इनके पास तो होंगे टूल्स वगैरह। गाइस नुबड़ा जी आप एक काम करो, जल्दी 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 यहाँ पे लैडर्स लगाओ और जल्दी जल्दी ऊपर। गाइस सारे के सारे बंदे ऊपर चढ़ना स्टार्ट करो जल्दी, टाइम नहीं है, वी डोंट हैव टाइम, जल्दी कम ऑन ब्रो। इनके पास एफिशिएंसी 5 वाली पिकैक्स है भाई। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आओ गाइस, जल्दी जल्दी आओ गाइस, हमें जल्दी जल्दी खोद के निकालना है। मैं ऊपर के लिए बस यहाँ पे एक जगह बना रहा हूँ। And we have to leave, जितना जल्दी हो सकता है, इससे पहले कि काउंसिल वाले बंदे यहाँ पर आ जाए। In fact, नुबड़ा जी अगर आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के ब्लॉक से, ब्रो आर यू सीरियस? जाओ 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 गिरो, आराम से जाओ, आराम से जल्दी जल्दी आओ गाइस, जल्दी जल्दी आओ, कम ऑन। नुबड़ा जी आ चुका है, इस जो आप कहाँ पे हो? मैं वाली है भाई, अगर तुम्हें से कोई एक बंदा मुझे पिकेक्स पकड़ा देगा ना तो बढ़िया हो जाएगा भाई। मुझे पिकेक्स दे, नुबड़ा अपनी पिकेक्स दे मेरे को, शाबाश मेरे भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया मेरे नुबड़ा जी बेटा। अरे मेरे पास दो पिकेक्स आ गई, कोई नहीं भाई चलेगा यार, मैं भी आ गया हूँ यहाँ पे। तुम लोग सारे के सारे बस पीछे पीछे रहो, अब मैं यहाँ पर रास्ता बनाऊंगा और तुम लोग का काम है बस मुझे फॉलो करना, ठीक है? नाइस वन डूड्स, यहाँ पे ना एक्चुअल में जो अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है और हम लोगों को पूरे 10 डायमंड के ब्लॉक्स आ गए भाई, गॉड व्हाट द हेल। ले लो भाई, मैं पिकैक्स बना रहा हूं, पीछे आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इतने डायमंड्स हो जाएंगे कि हमारे पास अब कमी नहीं होने वाली है हमें ब्लॉक्स की, एटलीस्ट That's what I want. That's what I want. चलो 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 फटाफट चलते हैं। साला आज ही अब से सुबह शाम रात को सिर्फ नाश्ते और खाने में सिर्फ डायमंड्स होंगे भाई। Let's go. Guys, तुम सारे के सारे मेरे पीछे पीछे रहना और प्लीज जो सबसे लास्ट में आ रहा है ना इस गुफा को बंद करके आओ, ठीक है? अपने पीछे पीछे कोई भी रिस्क नहीं चाहिए। नुबड़ा जी मामद को तारे परे मत जाओ, आप लोग बस मेरे साथ साथ रहो, ठीक है ना? यू गाइस हैव टू जस्ट स्टे विद मी और खोदने का काम मेरा और एसजे का है, तुम लोग सारे के सारे बस हमारे साथ रहोगे, ठीक है ना? दुआ देंगे। एसजे आप इस पीछे पीछे देखते रहो, आपस में इनकी लड़ाई है ना हो और कुछ भी। मेरे नीचे के ब्लॉक्स कौन खोल रहा है यार? भाई ये बंदा तो बड़ा तेज है, स्लेव वाला बंदा। अरे अगर ये बहुत प्रोफेशनल्स है भाई खोदने के लिए। अगर तुझे खोदना तो तू मेरे आगे आजा, खोद ले भाई, इसको ज्यादा एक्सपीरियंस। जा भाई ऊपर के लिए जगह बना, सच्ची जा। अरे डर रहा है, अब डर रहा है बंदा, कोई बात नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ भाई, तुम लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ओके गाइस, भाई ऐसे आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे लिटरली अलग अलग टाइप की लेयर्स है ब्लॉक्स की लगी हुई।
ओके बता दी, होपफुली यहाँ पे कुछ अच्छी तो गाइस बाय द वे गाइस, ओ गाइस यहाँ पे पानी आ रहा है, पानी आ रहा है गाइस, ध्यान से गाइस यहाँ पे हम लोग मर सकते हैं, ध्यान से ओके, एक सेकंड को क्राउच करके रखना है यहाँ पे तुम लोगों को। अरे मेरे आगे मत आओ, कोई भी बंदा मर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जल्दी साइड हो जाओ। व्हाट आर यू गाइस डूइंग गाइस, आप क्राउच करके रखोगे तो आप तो सांस ले सकते हो आप। यहाँ पे ना एटलीस्ट कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर एक्चुअली में हम लोग सांस ले पा रहे हैं। गाइस मरो मत जल्दी, अरे भाई ऐसे मर जाएंगे, प्लीज मेक श्योर करो कि मरे ना, मेक श्योर करो कि बंदे मरे ना। आराम से आओ, आराम से घुस जाओ। मैं एक्चुअली में आगे पहुंच चुका हूं गाइस, मरो मत प्लीज, सारे के सारे बंदे सेफ। ओ माय गॉड क्या हो रहा भाई ये, गाइस मैंने रास्ता बना दिया जल्दी आओ, मैंने रास्ता बना दिया। ओ माय गॉड मुझे भाई मरने की आवाजें आ रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है, जल्दी आओ गाइस। तैर नहीं पा रहे ये, कभी पानी में गए नहीं ना लोग। शाबाश एक बंदा मेरे पास आ चुका है, वेरी नाइस डूड। गाइस क्राउच दबाओ, मरो मत, ये स्लेव्स को पता नहीं चला, ऊपर के लिखो दो गाइस, सारे बंदे ऊपर के लिखो दो और मरो मत प्लीज 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 प्लीज। अगर ऐसे एक भी बंदा मरा मुझे बहुत दुख हो जाएगा। ऊपर आ भाई तू, ऊपर नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, प्रोफेशनल है भाई। शाबाश वेरी नाइस डूड। गाइस सारे के सारे बंदे क्राउच दबाओगे तो तुम लोग वो सांस भी ले सकते हो बाय द वे। ओ माय गॉड ओके, कम हो रही आवाज है मरने वाली, आई थिंक सो। ऐसे आपका आप तो जिंदा हो ना? Yes, मैं कैसे मरूंगा, मैं हूं भाई। आपको नहीं मरना, बाकी कोई मरता भी रहेगा तभी चलेगा भाई, जल्दी आओ। नहीं सबको जिंदा रखना है भाई। नहीं हाँ मतलब कोई नहीं मरेगा ठीक है, जल्दी दियो। ओके फाइनली सारे के सारे बंदे आ चुके, सेफ है ना ये सारे के सारे जियो। हाँ मैं ब्रेड भी दे रहा हूँ भाई, अब यहाँ पे लकड़ी के लिए रखी, मुझे समझ नहीं आ रही की अलग अलग लेयर्स का फंडा क्या है। अरे यार इमेजिन करो हम लोग को डेटोनेटर ब्लॉक्स आ गए तो हम तो मर ही जाएंगे। ओह शिट डूड, हम लोग फिर यहाँ से बाहर भी नहीं आ पाएंगे जल्दी, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, लोग पीछे पीछे बंदे ना आए लग जाएंगे भाई। चल जल्दी चलो जल्दी चलो, पीछे पीछे के टनल साथ साथ में गाइस कृपया करके बंद करते रहिए जो भी लास्ट में आ रहा है प्लीज। ओके स्लेव्स भाई, ओ ये बंदा एक बन रहा है कि इनमें एक नेदरराइट स्पेशलिस्ट भी आ गए तो ये तोड़ देगा। ओ नाइस वन डू, नाइस वन, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर ब्रो। गाइस हम लोग आज यहाँ से एस्केप करने वाले, लीव अ लाइक, ये बहुत ही ज्यादा एपिक। आप कौन मर रहा है? अरे भाई को मत मारो भाई, एक दूसरे को मत मारो। अरे एक दूसरे से नहीं, ग्रेवल के अंदर मर रहे भाई, क्या स्लेवरी का काम करते हैं, जल्दी आओ। ऐसा स्लेव बनेगा रे तू? अरे जो भाई मैं थक गया यार आधे घंटे से, आप जाओ आगे जाओ, मेरी पिकेक्स भी टूटने वाली है ऑलमोस्ट, जल्दी जाओ। लो मैं करता हूं मेहनत, आ जाओ खुद का काम। एंड बाय द वे आपको पहुंचा दूंगा मैं, बाकी सारे बंदों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता गाइस, तुम लोग बस थोड़ा सा वेट करो, हम लोग बाहर निकलेंगे सारे के सारे बंदे, तुम लोगों को मैं पूरी की पूरी पिज्जा पार्टी कराऊंगा, बर्गर खिलाऊंगा, दारू पिलाऊंगा, जिसको जो करना वो करेगा ठीक है भाई, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। रशियन दिलवा देंगे, अरे रशियन हो चाहे जर्मन हो, हर टाइप की दारू मिलेगी तुमको ठीक है ना गाइस। तो अच्छा, दारू की बात होती है, तुम लोग बस थोड़ा सा वेट करो, हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे भाई। हेमलैंड्स क्या गोपी भाई, सबको लाल हो गया, कैसे करप्टेड वर्ल्ड है, साइड होकर निकलो यार, डर लग रहा है मेरे को। ओह गाइस आई थिंक नॉर्मल ब्लॉक्स आ चुके हैं, नॉर्मल ब्लॉक आ गए। आर यू श्योर? आई थिंक सो, मे बी हो सकता है, हो सकता है ये स्टोन का ब्लॉक क्लियर हो, ये स्टोन की नहीं भाई। गाइस बाय द वे तुम लोग मेरे कपड़े देख सकते हो, चेंज हो चुके हैं, अगला दिन आ चुका भाई, तू खुद ना स्टार्ट कर, चल आगे खुद ना स्टार्ट कर ऊपर के लिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो चुका है हम लोग बाहर निकल चुके ऑलमोस्ट, जल्दी करो, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है ऐसी, देखो खत्म नहीं हो रही स्टोन वाली लेयर। Yo, I think we are out. Okay, wait a second. Are you sure? Grass आ जाए? एक पेड़ यही होता है ग्रेनाइट आ गए भाई, ऐसे ग्रेनाइट भी आ चुका है, नॉर्मल डायराइट भी आ गए, बीच में इन बिटवीन है, देखो ये अलग अलग लेयर्स नहीं है ये। तुमको मजा आ जाएगा, कभी स्लेवरी नहीं करनी पड़ी, ये लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड है घर वापस जाने के लिए कि भाई देखो मारा मारी करे एक दूसरे के साथ, गाइस सब बाहर जाओगे एक एक करके, टेंशन मतलब मरो मत लड़ो मत सबका सब भाई, हम लोग नॉर्मल वर्ल्ड में एक्चुअल में आ चुके हैं भाई, गॉड की कसम। यो एसयू मुझे ग्रास ब्लॉक दिख रहे, साटो के ग्रास दिख रहा है मेरे को, जल्दी आओ। मैं आ रहा हूं, ये जो खुला आसमान मैंने देखा है ना भाई साहब,
मजा आ गया। जल्दी जल्दी बाहर आओ भाई साहब, इस खुली हवा में सांस लेने का जो मजा है ना भाई, मैं तुम सब लोगों को देना चाहता हूँ। जल्दी आओ, सबसे पहले आप बाहर आओ। क्या कर रहे हो? निकल रहा हूँ यार, ये मुझे निकलने नहीं दे रहे। अरे भाई आ गया, जल्दी आओ। क्या हुआ? कहीं घोड़ी आ गया? अबे साला ये कहाँ से आया? जल्दी आओ, जल्दी आओ गाइस, तुम लोग क्या करो, जल्दी निकल आओ भाई। आई एम गुड गाइस, ये बंदा क्या होली शिट, जल्दी आओ, ऐसे भागो 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 भागो। गाइस मेरी बात सुनो, जितने भी स्लेव्स हैं सारे के सारे भागो, और एक जगह पे कोई नहीं रुकेगा, सब भागो अलग अलग डायरेक्शन में, सारे भागो 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 भागो। हम तुम्हें कांटेक्ट कर लेंगे जब हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, अभी छुपे रहो। जल्दी आओ, जल्दी आओ, नूड़े मेरे साथ आ, तू मेरे साथ आ, जल्दी एक्स्ट्रा कर, जल्दी आओ नूड़े, जल्दी जल्दी आ, भाग 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 जल्दी भाग। होली शिट डूड, ये बंदा इस तरफ जा रहा हूं। नहीं नहीं, साथ 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 रहो, इससे भागो मत, अरे परे आप मत जाओ, भागो को भागने दो, भागो को भागने दो, मैं घूम के आ जाओ, मैं जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जाओ, भागो 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 भागो। इस पकौड़े को कैसे पता चला हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं भाई साहब? इस पकोड़े को सब कुछ पता होता है भाई, पर फाइनली हम लोग इम्प्लांट्स पे आ गए, इसलिए तो अभी सारे हत्या निकलो भाई। फाइनली वी आर बैक इन इम्प्लांट्स। इस चीज के लिए लाइक बनता, भाग 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 तेज भागते, बस साइड के लिए भाग, साइड के लिए भाग, साइड के लिए भाग, भाग 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 भाग। अरे ये साला भागो, अबे यार, ओ माय गॉड, ये कहां से आ गया यार, ये कहां पे आपका भाई एसजो यार, इसको पता कैसे, इसको साले को पहले ही पता था हम लोग कैसे एस्केप कर रहे हैं। उस वर्ल्ड के अंदर आता तो तेरे को बताता मैं पकौड़े हो। ये साला, इसको यहाँ पे ठोकना पड़ेगा पूरी तरह से। कहाँ पे? अरे निकल 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 निकल, खड़ा कर, खड़ा कर एसजो, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अबे सर्वाइवर दूर चल, स्लेप भाई तू दूर चल, ये कंटिन्यू हमले कर रहा है। ड्रीम बॉय कहाँ मरा वैसे, उसको आवाज लगाओ प्लीज, मैसेज करो। ड्रीम बॉय कहाँ पे? मैं तो उसके नजदीक भी हूँ। अरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो भाई, ऑफलाइन है बंदा बैठा हुआ, उसको बुलाओ कुछ भी करके। मैं कॉल ही कर रहा हूँ। अबे साले मेरे ऊपर भी हल्ला शिप करके, मेरे ऊपर पिलेजर से हमला कर दिया भाई। मैं भाग रहा हूँ। अरे परे भागना पड़ेगा, इसलिए भाई तू मरेगा नहीं, ठीक है? किसी हालत में पेड़ों के नीचे रहो गाइस, पेड़ों के नीचे रहो, पेड़ों के नीचे रहो भाई। पिलेजर मेरे पीछे लग गया, आपके पीछे भी कौन है? मेरे पीछे तो कोई नहीं है भाई, बढ़िया है। भगवान के पास भेज देगा, आगे चलो, आगे चलो, वहाँ पे हो सकता है। ड्रीम बॉय कॉल नहीं उठा रहा यार, मैं कह रहा हूं नहीं 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 भाई, भाई दिक्कत हो जाएगी ऐसी। ओ माय गॉड भाई, मैं मरने वाला हूं, मैं लिटरली मरने वाला हूं। नूपड़ा जी मुझे मार रहा है तेरी ऐसी की तैसी पीछे से। भाई जी ने जिंदगी में पहली बार ऐसे वो चलाई और मेरे पे चलाई साले ने, उसकी एडवांसमेंट पहला बार आपके ऊपर मारा है भाई। क्या बंदा है? पर है क्या नुबड़ा, नुबड़ा का पीछे कहाँ मर गया जो दिख रहा है क्या आपको नुबड़ा? अरे नहीं है, पीछे 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 भाग रहा है, भाग रहा है ना, भाग रहा है। ठीक है ठीक है, इतना बड़ा पेड़ यहाँ पे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, नुबड़ा की टेंशन मत लो, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली, वो बोल रहा है। ये किंगडम के तो पेड़ कहाँ से है? क्या छोड़ो भाई, ये तो ड्रीम बॉय बता सकता है, पता नहीं कहाँ मरा है। जंगली लोगों ने बनाया भाई, जंगली लोगों ने बनाया पूरा पेड़। जंगली लोग यहाँ पर क्या भाई, बहुत सारी चीजें गई जो मुझे पता करनी है, बहुत सारी चीजें हो गई भाई, जंगली लोगों ने टेक ओवर कर लिया पूरे किंगडम। अभी इस नल्ले के सामने से भागना है बस, दैट्स इट, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। ये कभी ना साला, ये दूसरी चीजें भी स्पॉन करते जा रहा है यार यहाँ। वाह ऐसे हम लोगों को जितना दूर इस बंदे से जा सकते जाना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ भागो भागो, डेंजर है भाई, ये बंदा दूर जा सकते जाएंगे भाई, आज कल नहीं छोड़ेंगे भाई इसको। क्या हुआ? मैं हवा में हो गया हूँ, व्हाट द हेल, क्या भाई मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मां कसम। ओ भाई ये साला कितना कमीना है, साले हिम्मत है तो यहाँ पे लड़ना। मैं हवा में उड़ रही हूँ, बचाओ मेरे को, बचाओ मेरे को, कोशिश कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे को, आप मैं पानी डाल दूंगा, आप नीचे दिख रहे डाल दूंगा। अरे मैं नीचे नहीं आ पा रहा, मैं हवा में उमा कसम, पता नहीं कौन मुझे हवा में उड़ा, ये देखो यहाँ पे मेरे हाथ, ये बंदा मेरे को ही उड़ा रहा है। व्हाट, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, मैं हवा में, आप कूदने की कोशिश तो करो, जंप करो जंप करो। अरे माँ कसम मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, दोस्त को छोड़ दे हराम खोर, ये देखो यहाँ पे कुछ भी। व्हाट, ये बंदा बहुत मायावी हो गया यार, मैं क्या करूं इस बंदे का। आप मुझे नीचे दिख रहा, भागते रहो आप, भागते रहो, अरे परे, ठीक है ना भाई? अरे यार आपको छोड़ के कैसे भागूंगा, जो बंदा भी एरो मारा इसको मारो साले को, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ यार, इसको एरो मेरे पहुंच भी नहीं रहे ऊपर लिटरली। अबे छोड़ साले, मेरे को इससे वशीकरण किया हुआ है, शर्म नहीं है तेरे को, उड़ता है इसके हाथ पे ऊपर, मुझे मार रहा है बंदा, मुझे मार रहा है एरो से, मैं उसको मारने की कोशिश कर रहा हूं भाई, उसको लगी नहीं है एरो, मुझे मार देगा वहां कसम से। मैं नीचे पानी डाल के रखा है, आप कूद जाओ, पानी डाल रखो, पानी डाल रखो, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ब्रो आई एम गोना डाई, पानी डालो। अरे यार ये हिला रहा है आपको यहाँ वहाँ से यार, वही बोल रही है मुझे एरो मार रहा है, नजदीक खड़ा करके खुद के साला चोर है भाई। कहाँ कहाँ पे पानी डालूं मैं, कहाँ कहाँ पे यार, अगर तेरे पिताजी का नाम है तो मुझे नीचे गिरा के दिखा, मान जाऊंगा तेरे को मैं, नीचे गिरा साले। अबे अगर तू एक बाप के बोला तो मुझे छोड़ के दिखा,
इस बंदे के अंदर दम ही नहीं है, तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है भाई, समझा? तेरे से बंदों को तो मैं उल्टे हाथ से मारता हूँ, समझा ना? पीपी गॉड अपन ऐसे ही नहीं, छोड़ के दिखा तू मेरे को एक बारी, मान जाऊंगा मैं तेरे को भाई, छोड़। बंदा कहाँ है? अरे भाई ये बंदा मेरी आवाज, इसको मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही? एसजीओ हेलो भाई, नुबड़ा जी भी नहीं यहाँ पे, व्हाट द हेल भाई, सारे के सारे कांड हमारे साथ ही क्यों होते जिंदगी में, मां कसम आई एम टेलिंग यू भाई। No! What? No! अबे पागल स्पॉट, ब्रो, I am safe. ये क्या हुआ अभी? Okay, I have to go. मुझे ना गाइस सामने वो कालिया दिखा, अभी कालिया क्या बारे में स्लेव दिखा था मेरे को वहाँ पे। I have to go. स्लेव भैया मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। ब्रो, ये किस्मत वाला जो क्लच हुआ भाई इस चीज के लिए, एक लाइक तो बनता है। What the hell? भाई अगर वहां पे पानी नहीं होता तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो गई थी। होली शिट डूड, तुम्हारा भाई यहाँ पे चैंपियन है भाई, तुम्हारा भाई अभी फोड़े जा रहा है, मुझे क्लियरली आवाज में सुनाई दी, इसको गुस्सा आ गया शायद से। बेटे तेरा पिताजी तो मैं ही हूँ, समझा? तू हम जैसे बंदों को कभी नहीं मार सकता है जो ग्राइंड करते हैं दिल से। गाइस लाइक मारो इस चीज के लिए, लाइक मारो, किंग वुडन की आज हार होने वाली, हमें मार नहीं सकता है बंदा। पर मेरे दोस्त एसजीओ और अपना छुटकू कहाँ गया नुबड़ू, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। चल भाई, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, फाड़ता रे भाई, फाड़ता रे मेरे बेटे, हम यहाँ से बाहर निकलूंगा। यस लेट्स गो, चल ब्रो, ये बंदा बहुत गुस्से में है, ये बंदा बहुत गुस्से में है, बट इसको चल चल बाहर आगे, मैं लेट्स गो का है। नो 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 ब्रो, मैं इतना अच्छा कहा था, भाग गया था मैं भाई। ओके डूड, we have to go, यही पता हूँ बंदा कहाँ गया, बंदा भाई मेरे सारे के सारे बंदे पता नहीं कहाँ चले गए यार। चल चल, अबे साले तू कहाँ से आया, चल चल निकल यहाँ से भाई। एसजीओ कहाँ है, बेचो कहाँ है, ड्रीम नुबड़ा जी कहाँ है, ड्रीम बॉय तो पता नहीं कहाँ है भाई, उसको तो पता ही नहीं कि हम लोग ऐसे बाहर आ चुके हैं। ब्रो अगर तू स्लेव अभी इनके हाथे आ गया ना भाई, और गाइस बाकी के स्लेव्स का नो आईडी, खैर छोड़ो भाई, वो जितना दूर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे भाई, मेरे को ना पेड़ों के बीच में रहूंगा तो मैं आई थिंक जिंदा रहूंगा। ब्रो इसने पूरा पेड़ ही उड़ा दिया। भाग ब्रो, पानी के बीच के काम करने वाला है। निकल। ओ, ब्रो पानी के बीच कैसे धमाके हो सकते हैं, ये क्या गेम है ये, हाउ इज दिस पॉसिबल? ओके, निकल पड़ेगा। ओके छोड़ दे साले, छोड़ दे हमें। No! भाई इसके एरो मेरे को सामने दिख रहे हैं, मां कसम यार। चल भाई आजा दोस्त मेरे भाई, स्लेव कहाँ है तू, जल्दी आ भाई, जल्दी आ। ओ माय गॉड, मैं मर जाऊंगा गाइस। जल्दी चल। बहुत बढ़िया, घुसा ऊपर का बंद कर। ओ माय गॉड ब्रो, ये बहुत गंदा मारा, 8-10 ब्लॉक नीचे आ चुका है, तो देख सकते अभी यहाँ पे धमाके पड़ने चाहिए हमको। ऊपर का भी बंद करना ब्रो, याद रखियो। ओ माय गॉड ब्रो, प्लीज टेल मी कि ये बंदा पानी के नीचे तो नहीं आ सकता यार, मैं क्या कर रहा हूँ। चल आ जा दोस्त, स्ले भाई मेरे साथ आ, कहाँ गया ये बंदा, जल्दी आ, खोदना स्टार्ट कर भाई, इसको बहुत गुस्सा आ गया, लेट्स गो, इसको हम लोग नहीं मिलेंगे बेटा, नहीं मिलेंगे, हम तुझे नहीं मिलेंगे मेरे बेटे। तेरे पिताजी कौन है, स्मार्टी पाई है, और साथ ही साथ ये स्लेव भी है। ब्रो आजा, चल थोड़ा यहाँ पे आ जा भाई, साइड में आ जा। आई डोंट थिंक सो कि अभी ये बंदा यहाँ पे आने वाला है भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। मेरा दोस्त एसजीओ पता नहीं कहाँ चला गया, नूबड़ा पता नहीं कहाँ चला गया भाई साहब, हमारी जिंदगी में ना चैन सुख लिखा हुआ ही नहीं है यार, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है मेरे भाई, कहाँ होगा यार अभी भाई, मेरे को ना बस एक दिन गाइस कोई बिल्ड करना है, मुझे इस हिमलैंड्स के अंदर बस एक बार एक बिल्डिंग बनानी है भाई, चैन की सांस लेके यार। अब यहाँ से बाहर कैसे निकले, अभी तो बोलता भी है ये बंदा, बोलता भी है भाई, तालियां भाई इस बंदे के लिए। बोलता हूँ बचपन से
भाई गॉड मुझे लगा तू यार बोलता नहीं है भाई, तब से लेकर तू कुछ बोल ही नहीं रहा था। देख भाई ऐसा सिंपल सी बात है, अभी यहाँ से बाहर निकलने का मुझे नहीं पता। ऑफ कोर्स हम लोग पानी के नीचे, हम लोग साइड से निकल जाएंगे जैसे तैसे करके, किंगोडी ऊपर से निकल जाए बस। मुझे तो वापस किंगडम जाना है क्योंकि मुझे मेरे दोस्त ड्रीम बॉय से मिलना है, उससे बात करनी है, उसको बताना है यहाँ पर क्या क्या हुआ, उसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा ना। व्हाई ना, क्यों भाई? किंगडम मत जा, वहां किंग गोडिन मार देगा। देख भाई किंग गोडिन मार देगा, ऐसी की तैसी है भाई किंग गोडिन की, ठीक है ना भाई? मुझे नहीं पता भाई कैसे टाइम पे जाऊंगा जब वो वहां पे होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे ना अभी अपनी ड्रीम, तू जानता नहीं ड्रीम का भाई, उसने कोई ना कोई जुगाड़ जरूर किया होगा, उसके पास अच्छे आर्मर्स वगैरह होंगे तो वो बेसिकली हमारी हेल्प कर सकता है। चटनी खोल देगा। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, पर मुझे अभी जाना है, मुझे एसजीओ को भी ढूंढना पड़ेगा। उसकी ना सडनली आवाज आनी बंद होगी भाई गाइस, मेरे को तो वो अजीब लगा। अरे वो वहीं घूमता होगा, मर जाओगे। देखो ऐसा है, आई डोंट थिंक सो कि वो हर वक्त किंगडम में रहने वाला है। अभी किंग गोडिन की फटी हुई, क्योंकि काउंसिल वालों के अंडर वो काम कर रहा है गाइस, एंड हम लोग एस्केप कर चुके हैं। किंग गोडिन की बैंड बजने वाली है बाय द वे, इसीलिए वो उसने ओ शिट मैंने भी ध्यान दिया भाई, क्या लिख रहा है मेरे साथ चलो उससे अच्छा। नहीं नहीं भाई मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, पर मैं अभी एक बात बोलने वाला गाइस, उसने दोबारा से पाताल लोक वाला गड्ढा किया था मुझे दोबारा से लैंड ऑफ सर्वाइवल्स में डालने के लिए। साथ एक नंबर का नल्ला है भाई वो, मैं बच गया। वेट, कहीं उसने एसजीओ को तो डाल दिया दोबारा से लैंड ऑफ? नहीं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे एक ही गड्ढा था जहां पर उसने मुझे घुसेड़ा था, वो बहुत खतरनाक है भाई। देखा सर अभी वो खतरनाक चाय भले, ये तो मुझे टाइमिंग पे खेलना पड़ेगा ना अभी, और इसी वक्त वो एक्चुअल में उसको भी डांट पड़ रही होगी, तो अभी मैं जा सकता। एक काम कर आजा, खुद ना स्टार्ट कर एक डायरेक्शन में मेरे साथ, हम यहां से बाहर निकलने वाले अभी, ठीक है ना? उसके गदा बंद कर दिया हुआ तो क्या मतलब एसजीओ को फेंक? नहीं 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 भाई, एसजीओ को फेंका होता ना ब्रो तो मुझे दिख जाता, ठीक है ना भाई? तो मुझे दिख जाता कि वहां पे एक और गड्ढा है, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी मैं काम करने वाला हूँ, मैं दोबारा से जाऊंगा किंगडम, और तू एक काम कर, तू अपने किंगडम जा, तू बस मुझे अपनी किंगडम की डिटेल बता दे भाई, मेरी बात सुन, ठीक है ना? तेरे किंगडम की जो भी डिटेल है, नाम वगैरह, तो मुझे पूरा वगैरह बता दे, मैं आऊंगा तुझसे मिलने के लिए। एंड बाय द वे गाइस, तुम आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये ऐसा ही दिखता है, ये ऐसा नहीं दिखता है, ये जब स्लेव में देखो क्या होता है, दो तीन प्रोसेस होते हैं उनके नीचे। पहले आदमी नॉर्मल होता है, जैसे हम लोग है नॉर्मल स्किन्स, उसके बाद उनका नाम चेंज होता है, जैसे वो स्लेव आगे बढ़ते रहेंगे स्लेव के प्रोसेस में, उसके बाद स्किन्स वगैरह चेंज होती है, एंड लास्ट में उनकी आवाज भी चली जाती है, दैट्स व्हाई बंदा बोल नहीं पा रहा है। तो भाई सब कुछ क्या बोल रहे, अरे मैं तो टॉम क्रूज की तरह दिखता है भाई, दिखता होगा भाई, हो सकता है बंदा बहुत हैंडसम हो। तो अपने किंगडम जा, जो भी वहां पे लाइक तेरे जो भी लाइक ऐसे क्या बोलते हैं लाइब्रेरियंस टाइप बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो उनको बोल के अपनी आवाज रिस्टोर करवाइयो, एंड ऑफ कोर्स अपनी लुक्स रिस्टोर करा, क्योंकि अभी तो एक नंबर का चिमकांडी लग रहा है। चल अभी मैं निकलने वाला हूँ, तू अपने किंगडम की तरफ जा ब्रो, अपने किंगडम की डिटेल दे, मैं तुझसे जरूर मिलने के लिए आऊंगा, ठीक है भाई? मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय मैन। अरे चमकांडी बन के दिखाऊंगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल, तू सी बन जाइयो भाई, आई होप कि तू अच्छा ही रहे भाई, मेरे को बहुत खुशी हुई गाइस कि एक स्लेव, पर आई थिंक गाइस हम लोगों ने 20-25 स्लेव बचाए थे, दो तीन शायद से मर गए थे, किंग ओडिन ने मेक श्योर किया कि वो मरा होगा, ठीक है ना भाई? क्योंकि उसने बहुत धमाके किए हैं, मेरे भी एक एक हर्ट रखे, तो स्लेव्स तो बेचारे बहुत कमजोर थे पहले ही, तो मुझे बुरा तो लग रहा है इन लोगों के लिए, बट भाई थैंक यू बाय द वे तुम्हें और ऐसे। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम आराम से जाओ अपने घर, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और गाइस मेरे को अभी जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए अपने ड्रीम बॉय के पास, बिकॉज आई हैव टू नो एंड आई हैव टू टेल हिम, और हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अभी, ठीक है ना? अभी एसजू वगैरह को पता नहीं कहाँ है, जहाँ भी है भाई मैं जा रहा हूँ ड्रीम बॉय के पास, भाड़ गया सब कुछ यार। चलो 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 मेरे बेटे, ऑलमोस्ट हम लोग बाहर आने वाले गाइस, एंड आई रियली होप कि बदसूरत किंग गोडिन ना मिले। अरे भाई मैं मरता ही क्यों रहता हूँ 24 घंटे, क्या हो रहा है ये? ओके वी आर आउट, प्लीज 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 प्लीज, ये बंदा ना आसपास, बंदा ना बस आसपास, वो नहीं है, वो नहीं है बंदा, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, Let's go. फटाफट किंगडम चलते हैं और ड्रीम बॉय को ढूंढते हैं भाई एक बारी। ऑल राइट मैं पहुंच चुका हूं, पर भाई किंगडम का क्या सिस्टम हो रखा है यहाँ पे, मेरे को समझ ये क्या ऊपर भाई, वेट ए भाटी भाई, हेलो मेरे भाई, कहाँ है तू? ड्रीम बॉय मैं हूँ यहाँ पे, स्मार्ट भाई किधर हो आप, जल्दी बताओ भाई, मैं आपके किंगडम के अंदर आ रहा हूँ, मैं आपके आप कहाँ पे हो? किंगडम में आपको सबसे बड़ा पेड़ दिख रहा है, एक अजीब सा दूर से दिख रहा होगा, मुझे दिखा था इससे पहले, मैं भाग रहा था यहाँ पे, बट अभी पता नहीं कहाँ पे है, मैं बस मतलब किंगडम में खोपचे खोपचे से, रुको एक सेकंड रुको मैं आपको बताता हूं। अरे वापस कब आ गए भाई आप लोग, जिंदा हो भैंस की, ओ शिट, आपको मैं अभी बताता हूँ हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, बट किंगडम में पेड़ कहाँ है,
भाई मैं एक टावर के ऊपर चढ़ा हूँ, आपको मैं दिख पा रहा हूँ भाई, देख लो यार एक बार ये कहाँ हो। रुको रुको रुको, मैं बिल्कुल किंगडम के बिल्कुल मेन वो बैंक है ना, बैंक के वहाँ पे खड़ा हूँ। हाँ हाँ बैंक दिख रहा है, मैं आ रहा हूँ बैंक के पास आ रहा हूँ, ठीक है ना, भागता हुआ आ रहा हूँ बैंक पे। ब्रो अभी यहाँ पर क्या कांडे हुए हैं भाई हमारे साथ, कहाँ थे आप अभी तक, आपको धमाकों की आवाजें नहीं आ रही थी क्या? वेट, अरे धमाके धमोके की आवाजें मेरे को आ रही थी, लेकिन मेरे को लगा कि वैसे ही कोई ना कोई इधर उधर की मतलब गलियों में जैसे लड़ाइयां हो रही होती हैं वही सब हो रही होगी, तो मैं इग्नोर किया वो सब। अगर आ जाते वो धमाके आप लोग की वजह से थे, अभी बच जाते भाई। आपको बताया एसजीओ भी आया था, पता नहीं कहाँ चला गया, डूबड़ा भी था पता नहीं कहाँ चला गया वो। अरे मेरे को मिलो यार, कितने महीनों के बाद, अज्जू भाई जिंदा है, पता नहीं कहाँ है वो बंदा, पता है आपको? अज्जू भाई को लेके आए हो आप जहाँ भी थे? भाई अभी मैं अज्जू को लेकर आया था, अभी वो पता नहीं कहाँ चला गया है, उसकी आवाज सडनली बंद हो गई एंड नूबड़ा जी ने मुझे वो शीट, मैं अभी सोच रहा हूँ इस बारे में, आपको पता है? अरे यार शीट गाइस, नूबड़ा जी ने पहली बार जिंदगी में बो चलाया मेरे ऊपर, ठीक है ना, उसकी एडवांसमेंट पहली बार आई जिंदगी में, ठीक है ना। आई थिंक वो गलती से नहीं गाइस, उसने मुझे जानबूझ के मारा, वो चाहता रहा कि मुझको बचाए। ओ शिट मैंने गलती कर दिया, मैं उसको बचाने गया ही नहीं वापस, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों के दोनों भाई। पर भाई ये सब छोड़ो फिलहाल को, ये क्या हो रखा किंगडम के अंदर? अरे ये क्या हो रखा है क्या भाई, अपनी शान है यार, अपने वो जंगली लोग नहीं थे? हाँ हाँ, उन लोगों को बना दिया यहाँ के आर्मी, और उन लोगों से अब करवाता हूँ मैं काम, उनको घर भी मिल गया, रोजगार भी मिल गया, और अपने बंदे हैं भाई। अच्छा मैं वही सोचू की यहाँ पे अजीब सा होगा, मौसी से ब्लॉक्स आ चुके भाई। ब्रो बेसिकली हम लोगों ने किंगडम को अपग्रेड कर दिया अब एक जंगली वर्जन में, समझ रहे हो आप? ओके भाई तो चल रहा है ब्रो, अभी ये सब छोड़ो आप भाई, ठीक है ना, ये अपग्रेड होता रहेगा, अभी है लाइफ और डेथ का सवाल भाई। आपको पता है उस कुत्ते किंग ओडिन ने ना इतने कांड कर रखे हैं ना यहाँ पे, और अभी एसजीओ वगैरह को भी उसी ने गायब कराया दोबारा से। भाई गॉड की कसम मेरे हत्या चढ़ गया ना, उसको मैं उड़ा के फेंक दूंगा यहाँ से। कौन कुत्ता? किंग ओडिन यार, उसको छोड़ना नहीं है भाई, आर्मी निकालो लेकर आओ सबको, उसको उड़ा के। Are you crazy or something bro? What you talking man? एक सेकंड मेरे को ये बताओ, किंग ओडिन कुत्ता मतलब भाई? उतने इतने स्मार्ट बंदे को, इतने गऊ बंदे को, जो भाई वो एकदम बहुत प्यारा बंदा है, वो तो कुछ गलत करता ही नहीं हम लोग के साथ, क्या बिगाड़ा है उसने हमारा, उसको कुत्ता बोल रहे हो आप? हैं भाई कमाल कर, कैमरे लगे क्या, प्रैंक कर रहे क्या, प्रैंक कर रहे हो क्या? एक सेकंड, प्रैंक नहीं बेटे, तू है कौन? अरे क्या क्या मतलब मैं कौन हूँ? मैं स्मार्ट ड्रीम बॉय, डोंट टेल मी कि आप भूल चुके हो कि किंग ओडिन ने साले क्या हरकतें करी है भाई, कुत्ता एक नंबर का, उसी ने हम लोगों को पाताल लोक में डालता, भूल गए आपके सामने, आप छुप के देख रहे थे दूर से, होगा लाला भी था। अबे ओए ज्यादा बोल मत, किंग ओडिन है हमारा दोस्त, उसने यहाँ क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, स्मार्टी भाई, मैं सब लोग दोस्त है ब्रो, किंग ओडिन सब लोग दोस्त है हमारा, ये पूरा का पूरा किंगडम सब कुछ उसी का दिया हुआ है। ड्रीम बॉय यार भाई कुछ तो वशीकरण कर दिया उसके ऊपर किंग ओडिन ने। अरे हम मैं तुम्हारे दोस्त, किंग ओडिन हमारा दुश्मन है, ठीक है, मैं भी तेरा दोस्त हूँ, मैं भी शाहरुख खान हूँ यार भाई, कुछ भी यार खोपड़ी फोड़ दूंगा, हेलमेट उतारी जरा शक्ल दिखा अपनी। अरे भाई ये बंदा थोड़ा उल्टा हो गया है यार भाई। ड्रीम बॉय क्या हुआ ऐसा मुझे बता एक बार, ड्रीम क्या किंग ओडिन ने क्या घूस दी है क्या, या फिर जो भी है, देख देख मेरे आगे ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, तू चाहे भी स्मार्टी भाई नहीं बन सकता है, देख रहे मेरे पास कैरेटोन स्टिक भाई, सुअर बना के पूरे किंगडम का चक्कर लगवाऊंगा, ठीक है ना, यहाँ से निकल जा, वरना स्मार्टी भाई होते ना तो वो कभी भी नहीं बोलते। अबे तेरे को फिर से लग रहा है कि मैं नकली हूँ? अबे तू फेक है, फेक स्मार्टी भाई बन के आया मेरे सामने स्किन रिप्लेस वगैरह करके, मेरे को पता नहीं है क्या 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 होता है इस दुनिया के अंदर, बेवकूफ समझा है भाई ये बंदा, ऐसे नहीं मानने वाला है, कुछ हो गया असली ड्रीम बॉय को, कुछ हो चुका है भाई, ये नकली ड्रीम बॉय है, ये नकली ड्रीम बॉय है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये नकली ड्रीम बॉय है, नकली है साले, एक नंबर का, बताऊं क्या भाग रहा है, नहीं भाग रहा है, ऐसी की तैसी नकली है, निकल ले यहाँ से, नकली है, दोबारा आने की जरूरत नहीं है इस किंगडम में, तू नकली है समझा, ये असली तू नकली है, ये नकली है, ये नकली है, ये नकली बंदा है, ये नकली है भाई, ये असली हो ही नहीं सकता, ये असली हो, किंग ओडिन की चापलूसी कर भाग बेटे, देख तू जो भी है ना, जो भी तू मेरे खिलाफ यहाँ पे आया भिड़ने के लिए, देख लियो बेटे तेरे सामने रियल स्मार्टी भाई को लेके आऊंगा और तेरा मोर बनवाऊंगा उनसे। चल चल निकल निकल निकल, क्या जरूरत है तेरी इस दुनिया में, निकल जा फेक, रियल से तो बन के कम से कम, अबे रियल तो बन गया है, निकल चल बेटे। गाइस ये नकली नहीं थे, असली ड्रीम बॉय था, किंग ओडिन ने इसके दिमाग के ऊपर कब्जा कर दिया है, इसको लग रहा है कि किंग ओडिन बहुत नेक बंदा है भाई, वो हमारे दोस्तों को हमारे खिलाफ कर रहा है, समझो तुम लोग उसकी स्ट्रेटेजी। ओ माय गॉड, इकलौता ड्रीम बॉय था जो हमारा इस किंगडम के अंदर बचा हुआ था, जो हमारा साथ देता तो अभी हम लोग इसकी बैंड बजाते, बट इसने इसको अपनी टीम में कर दिया। ब्रो दिस इज सो सैड। ओके गाइस
मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अभी मैं रिवेंज लूंगा इस किंग गोडिन से। मैं दोबारा से गाइस अपने रिवेंज वाले टाइम पे जा रहा हूँ, जहाँ हम लोग अपने दोस्तों से रिवेंज लिया करते थे, अभी मैं इस किंग ओडिन से रिवेंज लूंगा। अभी मैं एक ऐसा ट्रैप बनाने वाला हूँ यहाँ पे ना कि उसका बाप भी याद करेगा, पिताजी नहीं बोलूंगा, पूरा डिसरेस्पेक्टफुल है बोलूंगा, उसका बाप भी याद करेगा। अभी और इसी वक्त मैं इस तगड़े ट्रैप को बनाने वाला हूँ और उसको मैं लूर करके लेके भी आऊंगा। गया है भाई ये मेरे हाथ से, गया, अब ये बच्चे का नहीं मेरे हाथ से भाई, खत्म है, इसकी पूरी दुनिया उखेड़ दूंगा मैं। आजा किंग ओडिन, तेरे को मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ साले। गाइस किंगडम के जस्ट मैं बाहर खड़ा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे किंगडम के अंदर ही गश्त लगाता रहता है। तो यहाँ पर कहीं, ओ माई गॉड, ये वही जगह है जहाँ से हम लोग नीचे से बाहर निकले थे। थोड़ा यहाँ पर, बस यहाँ पर वुड्स के बीच में, इधर ही किधर मैं इस ट्रैप को बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, एंड यहाँ पे इसको मैं लेकर आऊंगा। भाई तू गया किंग ओडिन, तेरे तू नहीं बचेगा भाई, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। यहाँ पर बनाऊंगा इस ट्रैप को, यहाँ पर। ऑल राइट गाइस, तो ये ट्रैप तुम लोगों ने देखे बहुत ही ज्यादा डेंजर ट्रैप है। इसके अंदर कोई भी बंदा एक बार फंस गया ना, वो यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता है, अंटिल अनलेस वो कोई चीटिंग करे। चीटिंग नहीं करेगा भाई वो बंदा, यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता कोई भी। एंड जब तक वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देगा उसने ड्रीम बॉक्स से क्या किया, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। पर ये ट्रैप एग्जैक्टली करता क्या वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि उसको यहाँ तक लेकर आने में, उसको कन्विंस करने में बहुत टाइम लगने वाला भाई। एंड वो सब मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा, मेरे पास एक बहुत ही ओपी प्लान है, हम लोग बहुत बड़े एडवेंचर में जाने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्द मिलते हैं तुम लोगों से।